तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है इसी बच्चे और इसी गाय का। तो ये गाय है सिरसा में इंद्रजीत भाई के पास, और जो ये बच्चिया है बड़े प्यार से जब इस गाय का दूध पीती है तो एकदम से वात्सल्य भरा नज़ारा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये देखें, सेम वही वीडियो। ये तो ये थारपारकर नस्ल में जो ये बच्चिया है और थारपारकर ही जो ये गाय है, और इसके अलावा इंद्रजीत भाई के पास और भी जो थारपारकर है, एक थारपारकर गाय ये है, एक थारपारकर बछिया है, एक गाय का ये बछड़ा है। तो थारपारकर के काफ़ी शौकीन हैं इंद्रजीत भाई। तो इस गाय को देखें कितनी बिल्कुल काली नाक में है, और इसके नीचे जो बछिया है ये भी बहुत बढ़िया है। तो इंद्रजीत भाई राम राम। राम राम भाई राम। जय गो माता जय गोपाल। तो अपनी जो ये गाय है कौन से ब्यात में है ये भाई जी? पांचवें ब्यात में। पांचवें ब्यात में, ठीक है। तो कितना दूध निकाल देती है ये भाई जी? पूरा पीक पे 15+ ही निकालती है। 15, 15.5, 16 बजे, 15, 14.5, 15 बस इतना ही रहता है। इतना रहता है 15 के आसपास। लेकिन 365 दिन ही देती है जी, फ्रिज है जी। अच्छा, लगातार देती है, ड्राई पीरियड बहुत कम है। ड्राई पीरियड का पता ही नहीं लगता जी, दूध देते देते बह जाती है। अच्छा, वाह भैया। इसके नीचे जो बछड़ी है काफी सुंदर बछड़ी आपकी है, ये कौन से बुल की है? ये एसएजी का है जी, 20841 की है जी। 20841 एसएजी का है जी बुल, बहुत अच्छा बुल है जी, उसकी बछड़ी है जी ये। तो उसका क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है? उसका दूध रिकॉर्ड भाई साहब अपने 4000 के आसपास है जी। उसकी बछड़ियों ने दूध निकाला है? बछड़ियों ने उसकी वैसे मारे उधर गुरुओं के आश्रम में हरिद्वार में बेहने वाली है जी। अच्छा, उनकी बछड़ियां, बाकी किसी और भाइयों के पास भी हो सकती है, अपने पास तो नहीं अभी तक है। अपने पास तो वैसे केजीएस की तो है जी। अच्छा, ठीक है, केजीएस की है। और ये जो है, ये इसकी जो मदर थी वो सुरतगढ़ से थी, और इसकी जो नानी है वो चांदन फार्म से थी। अच्छा जी, तो शुद्ध थारपारकर में है, आपको 2-3 पीढ़ियों का पता इसका? जी 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 जी। वाह भैया, हम तो ये अपने अपनी रिश्तेदारी में दे रखी थी अपने। अच्छा, चाचे ताई की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ जब जो मेरी गाय होती है मैं उनको सेल नहीं करता हूँ, सेल परचेज। अच्छा, मैं अपनी रिश्तेदारी में दे देता हूँ दूध पीने के लिए। अच्छा, जब मेरे पास ज्यादा हो जाती है जब फिर दोबारा मैं उनसे ले लेता हूँ जी। अच्छा, जब वो प्रेगनेंट हो जाती है, जब हो जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, ये भी काम बहुत बढ़िया है। अच्छी गाय आपके हाथों से खुएगी नहीं, जो प्योर ब्लड लाइन की गाय है वो आपके पास ही रहेगी। तो इंद्रजीत भाई, आप इसको बच्चिया को खुला ही रखते हो हमेशा? भाई जी ऐसी है, खुला रखेंगे तो बच्चे पड़ेंगे जी। अच्छा, बांध के नहीं हम रखते हैं, वैसे महीने तक मैं खुला ही रखता हूँ। अच्छा, ये जो अपने टाइम पे दूध पीती है बाद में हट जाती है जी। अच्छा, और ऐसे है भी इन्हीं का ही है जी, अब 50-60-70 रुपए भी दूध बेचे तो भी घटा है जी। देसी गाय का दूध तो 100 रुपए होता है, जाके फायदा है। दूध गाँव में बेचने से अच्छा बच्चों को पियाओ, बच्चे अपने तैयार कर लो जी। अच्छा, जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं और सुंदर हो जाते हैं, खुले ही रखना चाहिए। अब आप देख लो 7-8 दिन की बछड़ी है जी, बढ़िया इसके हम्प है, बढ़िया गड़कंबल है। अब जैसे देख लो भर गया पेट इसका, ये छोड़ देगी। हाँ, बाकी हम सारे इसका दूध निकालेंगे। अच्छा, हाँ, देसी गाय का कोई भी लोगों को बहम है भी अगर सारा दिन करे चूंगती रहे, चूंगती नहीं है, वो अपने टाइम पीरियड पे चूंगेगी बच्ची। ठीक है जी, बाकी सील ठंडी बहुत है जी, जैसे मर्जी जो मर्जी करो धार मारो लो जी, मुंह पे दूध जो मर्जी जब मर्जी पी लो जी। हाँ, ठंडी है ये तो, बिना न्याणे के दूध देती है। ना न्याणा लगाने की जरूरत, ना कुछ करने की, कुछ भी नहीं है जी, जैसे मर्जी कुछ मर्जी करते रहो, इनको कोई मतलब नहीं है जी। सबसे बढ़िया उत्तम नस्ल है जी, मेरे को दो ही नस्लें बढ़िया लगती है जी, एक हरियाणा नस्ल और दूसरे नंबर पे थारपारकर जी। जो ही नस्ले पर कारण भी सफेद होता है और शांति का प्रतीक, सुंदर भी लगे, यही होती है जी। ये बछड़ी अपने आप पीछे हट गई दूध पीकर, तो दिन में भी अब लगभग दिन में कितने बजे पिएगी अब दूध? दिन में ये भाई साहब अब 12 बजे के आसपास चूंगेगी। अच्छा, अपने आप 12 बजे फिर खाली कर दो? 12 बजे फिर खाली इसको कर देंगे, और फिर शाम को 6-7 बजे शाम को खाली कर देंगे। दूध को काटने का हमारे को मतलब नहीं है जी, हम तो इनको पियाते हैं जी। दूध इसलिए खाली करना पड़ता था कि इसके थन खराब ना हो, कोई नुकसान मस्टैटिस ना हो जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इस करके हमारे को थोड़ा खाली करना पड़ता है जी। जी, वाह। हां जी, तो इस प्रकार जो अगर गाय का 3 समय दूध निकाला जाता तो दूध भी बढ़ता है, दूध जरूर बढ़ता होगा। दूध बढ़ता है भाई साहब, देखिए क्या है, अब इसके प्रेशर पड़ा हुआ है थनों में, दूध से खाली हो जाएगी एकदम भूख, इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे दूध में चले जाते हैं, तो इसका हाजमा दोबारा रिपीट हो जाता है और ये खाना बढ़िया लग जाता है। दूध बढ़ाने का भी ये फॉर्मूला है राम भाई, अगर दूध बढ़ाना है पशु को दिन में 3-4 बार उसका दूध निकालो जी। ठीक, जैसे 6 से 6 बजे, फिर 11 बजे, फिर अपने 3 बजे निकालो, फिर 6 बजे फिर निकालो। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ये गाय, इसके बारे में और बताएं, कौन से बुल की बेटी है ये? ये भाई जी अर्जुन बुल की बेटी है जी, चांदन फार्म की ये ब्लड लाइन है, केजीएस वालों के पास था, अर्जुन की बेटी है
और बढ़िया 1700 इसके नीचे, इसकी भी तीन टाइम मिल्किंग करते हैं और इतना दूध ये लगभग देती है जी 17-18 और बहुत अच्छी ब्लड लाइन की है। आप इसका जो फेस देख सकते हैं, जो गल कंबल देख सकते हैं, सारा कुछ है। चंदन फार्म की अच्छी ब्लड लाइन है और बहुत शरीफ थार पार कर गए हैं जी, बहुत दुधारू। आपको अर्जुन की बेटियां बहुत कम मिलेगी जी दूध के अंदर जी। हाँ जी, तो ये देखें इसके जो थोड़ा पास देखें, थोड़ों के ऊपर एक दो काले निशान भी हैं, ये थारपारकर में भी आ जाते हैं कुछ एक, लेकिन आपको सफ़ेद रंग ज़्यादा मिलेंगे थारपारकर में थनों के ऊपर, जैसे इस प्रकार जो सफ़ेद सफ़ेद जित के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थारपारकर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। और ये थोड़ी सी कमज़ोर है आपको, इसीलिए इसकी तू इस प्रकार दिखाई दे रही होगी, नहीं तो जब इसके शरीर पर पूरा मांस चढ़ जाता है, पूरी हट्टी कट्टी हो जाती है, तब इसकी थूई बहुत हो जाती है। थूई का कारण भाई जी मेले में गई थी ना, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फिर ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी, अब 2 महीने से ऊपर की ये प्रेग्नेंट है। और दूध कितना दे रही है अब? दूध लगभग वैसे हम 15 के आसपास है, 14-15 के आसपास। ठीक है। हाँ, मिल्किंग हम 3 टाइम ही करते हैं जी। ठीक है। इससे बच्चे भी बढ़िया तैयार हो जाते हैं जी और गाय भी ज्यादा दूध पिलाती है। ठीक है जी। राम भाई, आप इसका जो फेस है ना, ये फेस की आप पूरी इसकी प्रॉपर वीडियो ले लो, और यही वीडियो आप चांदन फार्म की आप सर्च कर लेना, उन्होंने शॉर्ट वीडियो भी दे रखी है और पूरी फुल वीडियो भी दे रखी है। चांदन फार्म में यही गाय आपको मिलेगी, इसी प्रकार के, इसी प्रकार की सेम डिट्टो गोपी है, इसी प्रकार की, और असल ब्लड लाइन यही है जी, थार पार्कर की ब्लड लाइन यही है, या वो गाय है बछड़ी है, ये तीनों जो मेरे पास है असल थार पार्कर ब्लड लाइन की है। अब ये चेहरा मूरा आप देख लीजिए, इंद्रबुल की बेटी है जी। ठीक है जी, इंद्रबुल की बेटी है ये, और इसकी आपको मैं टिट्स क्वालिटी दिखाऊंगा अभी बछड़ी की आपको मैं, अब देखना कितनी है, साल से अभी ऊपर की हुई है, हम पर जरूर कम है, सेवा थोड़ी सी इसकी मदर की डेथ हो गई थी थोड़ी दिक्कत में। आप इसकी क्वालिटी देखो, थनों का इसका गैप देखो आप, ये देखो भाई थनों का, इसका बछड़ी के थनों का गैप देखो आप, और ये देखो भाई इसका, तो फैट नहीं है शरीर पर बिल्कुल भी, फिर भी जो बिना फैट के जो ये थन है काफी मोटे मोटे थन है, अगले थन बड़े, पिछले थन छोटे, और कितनी ज्यादा जो त्वचा ऊपर कराई है थनों के ऊपर, अभी से बहुत ज्यादा गैप है। तो कितनी आयु हो चुकी है इसकी? इसकी भाई साहब 1 साल से थोड़ी सी ऊपर है अभी। अच्छा, 1 साल से थोड़ी ऊपर है बछड़ी अभी। ठीक है, तो इतनी कम आयु में इतनी जो टिट्स क्वालिटी, ये देखें पीछे से देखें, ऐसे लगेगा जैसे ब्याने वाली हो, उकमने लग रही हो, ये देखो भाई इस प्रकार की अडर क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। तो ये बछड़ी निश्चित तौर पर काफी अच्छा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी। इसकी माँ का कितना दूध था? इसकी माँ का 18-19 लीटर दूध था जी। और इंद्रबुल की बेटी है? हाँ, इंद्रबुल की ये बेटी है। वाह भाई वाह। तो इंद्रजीत भाई के पास एक से बढ़कर एक जो बछिया, अब थोड़ी सी राम भाई ऐसे है, कई भाई देखेंगे ब्रीडिंग करते हैं थोड़ी वो है। मैं आपको एक पहले भी वीडियो बनी उसके माध्यम से बताता हूँ, मैं हरिद्वार रहता हूँ जी गुरुओं के आश्रम में, तो इस करके घरवाले रहते हैं, थोड़ी सेवा में जरूर अनुभव है, लेकिन अपने पास जो DNA है ना, आप कहीं चले जाना, कहीं चले जाना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये नगीने कहीं नहीं मिलेंगे, विरासत में मिले हैं हमारे को, असल जो चीजें हैं वो ये है जी। ठीक है जी, आप पूरा बाड़मेर जैसलमेर घूम लेना, चाहे कहीं कोई बीच वाले में घूम लेना, कहीं घूम लेना, अपने जैसी गाय नहीं कहीं मिलेगी और अपने जितने दूध की गाय नहीं मिलेगी। ठीक है, वाह भाई।